हेलो बोलिए सदगुरु देव की जय कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का यह तीसरा दिन दूसरा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है अतः आप सबसे निवेदन है कि जल्द से जल्द बीजक मंदिर में आने का कष्ट करें यहाँ जो निवास करने वाले सभी संत महात्माओं से निवेदन है आप सब बीजक मंदिर में पधारें बाहर से आए हुए जो भक्त सज्जन है वे भी यहाँ आकर के पधारे जिस लक्ष्य से जिस उद्देश्य से कबीर आश्रम आप सब आए हैं उसकी सफलता तब है आप आए आदि से अंत तक संत गुरुजनों के द्वारा जो ज्ञान दिए जाते हैं उस ज्ञान को सुने यथा संभव उसको आचरित करें यहाँ आने की यही सफलता है माता लोग उधरी तरफ मधम में संत समाज आदरणीय धर्म प्रेमी बंधुओं श्रद्धा मूर्ति देवियों इस वसुंधरा में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों मैं एक भजन से कार्यक्रम का शुरुआत करता हूं सतगुरु अभिलाष साहेब का एक पद है वह पद मुझे बहुत प्यारा है बहुत पहले से इसको समय समय से गाता हूँ बोलिए सतगुरु अभिलाष साहेब की जय यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा सुखा सायहंता हृदय से मिटा कर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा चढ़ाना पड़ेगा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा अनेकों विषय की लगी वासना जो अनेको विषय की लगी वासना जो उसे तोड़ कर थिर कराना पड़ेगा कराना पड़ेगा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा अनेकों विषय की लगी वासना जो उसे तोड़ कर थिर कराना पड़ेगा कराना पड़ेगा हृदय राग रागवो द्वेश जलन को हृदय राग रागवो द्वेश जलन को उ चंचल चपल सब जलाना पड़ेगा जलाना पड़ेगा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा सदा दृष्टि पारख एक धारा सदा दृष्टि पारख प्रबल एक धारा उस जग बीरता लहाना पड़ेगा लहाना पड़ेगा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा अमर स्थिति नित्य अभिलाष हो अमर स्थिति नित्य अभिलाष हो कभी दे हमें फिरना आना पड़ेगा आना पड़ेगा यदि मुक्त दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा बोलिए सदगुरु देव की जय अब हम विचारों की ओर बढ़ते हैं आज इस सभा में प्रथम प्रवक्ता के रूप में हमारे ही साथी कबीर संस्थान प्रयागराज के हमारे साथी श्री धनेन्द्र जी से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ आप भी इस पावन अवसर में कुछ देर हम लोगों के बीच अपना विचार रखने का कष्ट करें और हमारे श्रोताओं से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द आए संतों के विचारों से लाभ उठाएं। बोलिए देव की जय कबीर पारक संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद के तैतालीसवें वार्षिक सत्संग कार्यक्रम का यह तीसरा और अंतिम दिन है और अंतिम दिन की यह अंतिम सभा भी है इस सभा के प्रारंभ में हम सब अभी हमारे संस्थान के अध्यक्ष साहेब कृपा शरण साहेब जी द्वारा परम पूज्य गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर पद श्रवण कर रहे थे मेरे लिए वे आदेश हुआ है आदेश पालनार्थ आप लोगों के बीच थोड़ी सी बात प्रस्तुत है हमारे जीवन में परिवर्तन के दो रास्ते हैं एक है व्यवहारिक और दूसरा है पारमार्थिक या कहले भौतिक और आध्यात्मिक भौतिक जगत में आज वैज्ञानिक युग है विज्ञान अपने चरम सीमा पर है अरबों खरबों टेक्नोलॉजी हैं और उनका हम भरपूर उपयोग भी करते हैं किंतु आध्यात्म के क्षेत्र में मन और मस्तिष्क के क्षेत्र में जो परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हो पाता है और इसीलिए जिस समाज को कभी विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था आज उस विश्व गुरु की दशा पहले के समान नहीं हुई है यह सच है कि आज भी इस धरती पर ज्ञान की कमी नहीं है ना ही गुरु की कमी है कमी है तो हमारे पात्रता की और वो पात्रता क्या है एक छोटी सी कहानी से समझें। एक बार एक बहुत बड़े बंगले का सामान नीलाम हो रहा था निश्चित दिन तिथि तय थी और जिस हॉल में नीलाम किया जा रहा था वहाँ बहुत, बहुत से लोग, से लोग बहुत, बहुत से, से धनाढ़ लोग अमीर लोग उपस्थित थे।, थे अनेक, अनेक चीजों, चीजों की नीलामी हो चुकी थी बारी एक छोटे से वायलिन की थी जो व्यक्ति नीलाम कर रहा था वह आदमी उस वायलिन को अपने हाथ में उठाता है और उस सभा में बैठे हुए सभी लोगों को दिखाते हुए सभी अमीरों को दिखाते हुए कहा कि इस वायलिन की कीमत मात्र पच्चीस हजार है आप लोग जानते हैं कि बोली लगाई जाती है तो बोली लगाने के लिए एक आदमी पहले कीमत बोलता है, उसके बाद प्रतिद्वंदी के रूप में कोई दूसरा उससे आगे या उससे कम कीमत लगा करके बोलता है और ऐसे करते करते घट बढ़ घट बढ़ होते हुए एक बार फिक्स हो जाता है और उसी कीमत पर वो, साम, वो सामान नीलाम कर दी जाती, जाती है।, है जब, जब, जब वह व्यक्ति वायलिन अपने हाथ में लेकर ले 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 के नीलाम करने के लिए गया, गया। तो पहले उसकी कीमत पच्चीस हजार कहा तो कोई तैयार नहीं हुआ उन्होंने कहा चलो इसकी कीमत मैं घटा करके दस हजार कर देता हूं दस हजार करने पर भी कोई कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा चलो आपके लिए पांच हजार में ही हम नीलाम कर देते हैं तो भी कोई कुछ नहीं ऐसे करते करते और कम करते और कम करते, और कम करते गए अंत में कहा कि मात्र पांच सौ में कोई अगर लेने को तैयार हो तो हाथ उठाए इतने में एक वृद्ध सज्जन उस सभा से उठे और धीमे कदमों से जहां पर नीलाम हो रहा था उस मंच तक आए और कहा कि मैं आप सब से मात्र दस मिनट का वक्त चाहता हूं उन्होंने कहा ठीक है उस वृद्ध सज्जन उस वायलिन को अपने हाथ में लेते हैं अपने जेब से एक रुमाल निकालते हैं और वायलिन को अच्छे तरह से साफ करते हैं साफ करने के बाद उसके तार को सुर में लाते हैं और उससे एक मधुर ध्वनि छेड़ते हैं धुन छेड़ते हैं कुछ ही देर में मक... सभा में जितने लोग बैठे थे मंत्र मुग्ध हो गए इतना जबरदस्त उन्होंने वायलिन बजाया कि सबके सब खुश हो गए जैसे ही दस मिनट हुआ वो वृद्ध सज्जन अचानक ही वायलिन बंद किए और नीलाम करने वाले के हाथ में वायलिन थमाते हुए मंच से नीचे उतर गए इतने में सभा से तालियों की गड़गड़ाहट खूब जोरों से होने लगी और तभी नीलामकर्ता ने उसकी कीमत फिर से पांच हजार से शुरू किया उन्होंने कहा पांच हजार आगे से कहा दस हजार फिर दूसरे ने कहा बीस हजार फिर तीसरे ने कहा पच्चीस हजार ऐसे करते करते तीस हजार तीस हजार एक तीस हजार दो तीस हजार तीन और अंत में वो वायलिन तीस हजार में बिक गया बंधुओं, मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक छोटे से वायलिन में थोड़ा सा परिवर्तन ला देने से उसकी कीमत पता चल जाने से हम उसे महंगे से महंगे कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं क्या हम जिस जिंदगी को जिस जीवन को जी रहे हैं इसकी कीमत हमें पता है जो जीवन हमें मिला हुआ है क्या इस अनमोल जीवन की कीमत हमें पता है बहुत ही कम लोग होते हैं जिसे इस जिंदगी के जीवन की कीमत पता हो पाती है और जिसे इसकी इस कीमत इस पता, पता चल जाती चल है ना, ना वो कभी इसे गफलत, गफलत में नहीं खोता वो कभी गैरों की गेरों तरह, तरह इसे बिगाड़ने में नहीं लगता।, लगता वो तो हमेशा इसे, इसे साफ सुथरा करके इससे एक इसे अच्छी सी मधुर ध्वनि निकालता है और वो मधुर ध्वनि है व्यवहार की ध्वनि अध्यात्म की ध्वनि जब हमारा जीवन अच्छा होगा जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो हमारे द्वारा किया गया हर एक क्रियाकलाप बहुत ही सुंदर होगा एक अच्छा मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो वह अपने जीवन का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मूर्ति बनाने का प्रयास करता है लेकिन हम मनुष्य होकर के बुद्धिजीवी प्राणी होकर के अपने जीवन की कीमत न जानने के कारण इसे हमेशा कम से कम बनाने में लगे रहते हैं हमेशा यही चाहते हैं कि कैसे भी हो शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करते हैं हम सब जानते हैं कि स्वभाव को सुधारना बहुत जरूरी है अपने स्वभाव को यदि हम बदल लेते हैं तो हमारा जीवन खुशनुमा हो सकता है यह हम सब जानते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन से कौन बाहर आता है कौन अपने दैनिक क्रियाकलापों क्रिया में बदलाव चाहता है कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन के हर एक चीज को बदलने के लिए प्रयास करता है बंधुओं यदि हम सब प्रयास करें तो हमारा जीवन भी खुशनुमा और शांति में बन सकता है और इसीलिए हम सबको गुरु की आवश्यकता होती है गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट सदगुरु कबीर ने ये बात बड़ी गहराई से कहा है ऐसे ही नहीं कह, कह दिए हैं एक गुरु जब जब किसी शिष्य को वास्तव में शिष्य बनाता है या कहना चाहिए कि कोई शिष्य वास्तव में गुरु के अनुसार चलने लग जाता है तो वह अपने गुरु के प्रति पे चलने लग जाता है अर्थात जैसे गुरु करते हैं या गुरु जैसे जीवन जीते हैं वैसे ही शिष्य भी जीवन जीने का प्रयास करता है यदि जीवन सुखमय और शांतिमय बनाना चाहते हैं तो हम सबको भी अपने गुरु के याद करके उनके बताए हुए पथ पर चल करके अपने जीवन कल्याण का काम प्रारंभ करना चाहिए प्रारंभ करना चाहिए इसलिए कहता हूं कि हम सब की जो जिंदगी है इसकी कीमत हमें पता नहीं है और इसकी कीमत तब पता चलती है जब हम इस जीवन को खोने वाले होते हैं एक वृद्ध आदमी या एक ऐसा व्यक्ति जो मरण शैया में पड़ा हो उससे जाकर पूछें कि भाई तुमने जो जिंदगी जिया अगर तुम्हें दो दिन का वक्त और मिल जाए तो तुम कैसे जीवन जीना चाहोगे वह कहेगा कि भाई यदि मुझे दो दिन का वक्त मिल जाए ना तो मैं हर एक इंसान को ऐसा जीवन जीकर दिखा दूंगा कि आज तक कोई नहीं जिया होगा अर्थात वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ढंग से जीवन जीने का प्रयास करेगा इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने इस जीवन की कीमत समझें और इस जीवन की कीमत समझकर इसे सजाने का काम करें इसे सवारने का काम करें और जितना हो सके अपने जीवन को खुशनुमा और शांतिमय बनाकर खुशहाल पूर्वक जिंदगी जीने का काम करें बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बोलिए सदगुरु देव की जय अभी हम लोग हमारे संस्थान के साथी के द्वारा जिंदगी को कैसी अच्छी बनाई जाए अच्छे ढंग से हम कैसे जिया जाए इस संदर्भ में हम सुन रहे थे वास्तव में जब जीवन बीत जाता है समय बीत जाता है तब जिंदगी की याद आती है बड़े बड़े कहे जाने वाले भी अंत में पश्चाताप करते मुगल सम्राट औरंगजेब सभी सहनसाहों में सभी मुगल बादशाहों में वे सहनसाह सा। लेकिन अंतिम अवस्था में वो कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी बेशकीमती मिली थी यूँ ही मैंने खो दी उन्हीं की बात नहीं सभी के जीवन में प्राय प्राय ये घटना घटती है बहुत सुंदर हम लोग विचार सुने आइए कुछ मिनट हम और सुने तो सुने उसके बाद हमारे या संस्थान के हमारे कोषाध्यक्ष साहब भी विराजमान होने वाले हैं उसका आने के पूर्व हमारे साथी श्री संत हिरेन्द्र जी से मैं निवेदन करता हूँ आप भी कुछ मिनट इस पावन बेला में कुछ विचार रखें थोड़ा समय भी महत्वपूर्ण होता है इसलिए समय का हम सब मूल्यांकन करें ध्यान मौलम गुरुर्मूर्ति पूजा मौलम गुरुपदम मंत्र मौलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मौलम गुरु कृपा परम पूज्य गुरुदेव जी मुध में संत समाज धर्म प्रेमी माता बहनों सज्जनों साहब जी की मेरे लिए आज्ञा है आज्ञा पालनार्थ, कुछ देर कुछ निवेदन कर रहा हूँ किसी ने कहा है केवल गेहूँ से भूख मिट सकती नहीं केवल गेहूँ से भूख मिट सकती नहीं गुलाब पर ही नज़र टिक सकती नहीं है इंसान को दोनों की ज़रूरत एक पहिए से गाड़ी चल सकती नहीं अभी हम श्री धनेन्द्र साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर जीवन जीने की कला सुन रहे थे हमारे जीवन में जीवन तो अच्छा हो व्यवहार अच्छा हो उसके साथ हमें आत्मबोध भी होना चाहिए दोनों की जरूरत है सदगुरु कबीर साहेब का एक बहुत ही सुंदर छोटा सा पद है कहो अमर कासो लागा चेतन हारा चेत सुभागा अमर मध्य दिशे तारा एक चेता एक चेतवन हारा जो खोजो नाही सो तो आही अमर पद बुझे सोई, मुख हृदय जाके एक होई छोटा पद है समय कम है बस थोड़े देर ही निवेदन करूंगा हमारे बीच और साहेब जी विराजमान हो चुके हैं साहेब कहते हैं कहु वो अमर शुरू में ही हमें इस अविनाशी चेतन की याद दिलाते हैं संबोधन में ही कहते हैं कहु अमर का सो लगा। किस में लगा है जिसमें तू लगा है वह वा छुटने वाला है और तू अविनाशी है हम किस में लगे हुए हैं बाहर के प्राणी और पदार्थ में। प्राणी को अपने वश में करना चाहते हैं पदार्थ को भी अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं और उसी के पीछे हम अपने जीवन खपा रहे हैं लेकिन ये दोनों संभव नहीं हैं न कोई प्राणी हमारे वश में हो सकते हैं और न पदार्थ है ये सब छूटने वाले हैं बीच में मिले हैं और बीच में छूट जाएंगे इसलिए सदगुरु हमें याद दिलाते हैं कि अपनी आत्मा की याद करें और ये बाहर के प्राणी और पदार्थ में अपने जीवन को खपा रहे हैं उसी में ही अपना सब समय गुजार रहे हैं उसको कम करें करना पड़ता है व्यवहार है अभी मैं कह रहा था ना कि केवल गेहूं के से ही भूख मिट सकती नहीं उसकी भी जरूरत है व्यवहार की लेकिन हम उसी को सब कुछ समझ लेते हैं और परमार्थ को अपने आप को हम भूल जाते हैं इसलिए सदगुरु हमें याद दिलाते कऊ अमर का सो लागा चेतन हारा चेत सुभागा चेतने वाला है ज्ञान वाला है बुद्धिमान है ये मानव जीवन में ही जाग सकते हैं ये विवेक भीमका है इसलिए सदगुरु कहते हैं, चेतन हारा चेत सुभागा हम सब सौभाग्यशाली हैं इस मानव जीवन में आना ही मानव सौभाग्यशाली है इसी जीवन में ही हम बंधन को काट सकते हैं स्व और पर को पहचान सकते हैं बंध और मोक्ष को जान सकते हैं सत्य असत्य को जान सकते हैं आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं जड़ चेतन को जान सकते हैं कि कौन जड़ है कौन चेतन है ये मनुष्य विवेक भूमिका है ये विवेक प्रधान मानव तन है इसलिए कहते हैं सौभागा सौभाग्यशाली है, सुभागा, है हम। और इसमें भी ऐसे सदगुरु के ज्ञान पा करके ऐसे सदगुरु के सिद्धांत पा करके हम न जागे न चेते न जाने तो और हम अभागा नहीं सुभागा नहीं अभागा हो जाएंगे तो हम सौभाग्यशाली हैं, तो साहब कहते हैं चेतन हारा चेत सुभागा, दीसे तारा। आगे इस पंक्ति में शब्द का अर्थ करते हैं आकाश आकाश में ही सारे तारे होते हैं ये कल्पना ही बेकार है कि आकाश के बाहर भी और कोई तारे होंगे कोई पदार्थ होंगे वो भी होंगे तो आकाश के अंदर ही ऐसे ही सारे ज्ञान विज्ञान ये मानव के अंदर है ये जीव के अंदर है लेकिन हम इसको नहीं समझ पाते हैं। जड़ मूर्ति को पूछते हैं पहाड़ को पूछते हैं, नदी को पूछते हैं, गोबर को पूछते हैं पता नहीं क्या क्या हम पूछते रहते हैं और अपने आप को नहीं जानते हैं हमारे अंदर ही ज्ञान है तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है साहब कहते हैं कि हमारे ही अंदर है जिसको हम खोज रहे हैं साहब कहते है, जो खोजो सो उहुआ नाही सो तो आही अमरपद माही इंसान क्या खोजता है सुख शांति लेकिन वो कहा खोजता है उहुआ? हमसे अलग अपने से अलग कोई आकाश में खोजता है कोई पिंड में खोजता है बाहर के पुराने पदार्थ में खोजता है लेकिन ये संभव नहीं कि बाहर वह मिल जाए वह तो मिलता है अपने अंदर के विकार को साफ करने से अपने आप को जानने से पहचानने से उसमें स्थित होने से वह स्थायी सुख मिलता है तो साहब कहते हैं जो खोजो सो सोना वो वहाँ अपने से अलग बाहर नहीं है वह अपने अंदर है आओ, में कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग बन माए तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए जो तिल माही तेल है ज्यो चकमग में आग तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग अंदर है बाहर नहीं है लेकिन हम बाहर खोजते हैं अपने आप को अपने को नहीं पहचानते हैं तो हम अपने को जाने पहचाने सदगुरु हमारे हमारे तरफ अंकित करते हैं इशारा करते हैं हमें परखाते हैं जो खोजो सो हुआ नाही सो तो आही अमर पद मही व अमर पद अप, अपने आप में है पद सोई मुख हृदय जाके एक होई लेकिन उस पद को को उसको आत्मा को, उस रहनी को उस सुख को कैसे हमें सुख कैसे हमें प्राप्त होगा साहब कहते मुख और हृदय में एक होना है ये नहीं कि मुख में हम कुछ बोलें और अंदर और कुछ हो हृदय में मुख कछु और हृदय कछु आना सपने उओ मोही नहीं जाना गोस्वामी जी भी कहते हैं बंचक भक्त कहा राम के तो हम अपने मुख में कुछ कहें और हृदय में कुछ रखेंगे तो उस स्थिति को उस शांति को उस पद को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो सदगुरु कबीर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे ये जीव ये आत्मा शुद्ध है निर्मल है विकार है निर्विकार है ऐसे ही हम अपने मन को भावना को पवित्र रखेंगे तो अवश्य हमें वो स्थिति मिलेगी हम उस स्थिति को प्राप्त करेंगे तो मैं और अधिक ना कुछ कहूंगा हमारे बीच प्रवक्ता विराजमान है पूजा साहेब जी संचालन साहेब जी का भी इशारा है तो मैं बहुत थोड़े में ही आप लोगों के समक्ष कुछ अपना विचार रखने का प्रयास किया और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ बोलिए सदगुरु देव की जय सदगुरु कबीर साहेब की जय सदगुरु अभिलाष साहेब की जय बहुत बहुत धन्यवाद थोड़े समय में बहुत सुंदर विचार हम आपके द्वारा सुना आइए जिसकी प्रतीक्षा में हम लोग थे हमारे संस्थान के कोषाध्यक्ष श्रद्धे संत श्री गुरुक्षेम साहब आप सब परिचित हैं निवेदन है कि आप भी इस पावन अवसर पर कुछ देर विचार रखने की कृपा करें संत श्री गुरुक्षेम साहब अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज सम्मानीय सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मती देवियों कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद का ये तैतालीसवा वार्षिक अधिवेशन का अंतिम पड़ाव पर हम लोग हैं यह कार्यक्रम विगत वर्षों में बहुत बृहद रूप में होता था किंतु कोरोना संक्रमण के कारण यह कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त हो रहा है समय से पुनः कभी इस प्रकार के कार्यक्रम और विस्तृत किया जा सकता है हर चीज में हमें सफलता चाहिए होता है और सफल व्यक्ति को देख करके उस विषय के संबंधित लोगों को लगता है कि मुझे भी सफलता चाहिए कोई एक धनी मानी को देखता है मान लो इस समय हमारे यहाँ जो धनी है चाहे अंबानी को कहें चाहे विप्रो कंपनी के मालिक को कहे या और किसी को जो धन की इच्छा रखना रखता है वो आदमी उसे देख करके प्रभावित नहीं होगा उसको लगता है कि मैं भी धनी होता कोई पहलवान जब दूसरे पहलवान को देखता है तो वो उससे प्रभावित होकर के सोचता है कि मैं भी ऐसा ही पहलवान होता किसी राजनेता को जब देखता है छोटा नेता तो मन में होता है कि वाह ऐसा मैं भी होता तो मेरा भी गति ऊंची होती और लोगों में जय जयकार होता सहज आप प्रवक्ता को ही देख लीजिए कोई प्रवक्ता जब बहुत सुंदर बोलता है तब छोटे प्रवक्ता के मन में होता वाह मैं भी ऐसा प्रवक्ता होता तो मैं भी बहुत बढ़िया बोलता सज्जनों, इन सबके पीछे उन लोगों ने कितना मेहनत किया है उसको ध्यान देना पड़ेगा चाहे धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो कुछ भी, भी अर्जित किया है सफल तो उस दिशा में यदि हुआ है तो मेहनत करके हुआ है और मेहनत हम भी यदि करें तो निश्चित है जो दिशा, जो दिशा हम चाहते हैं चाहे वह साधना के क्षेत्र में हो धन अर्जित करने के क्षेत्र में हो विज्ञान के क्षेत्र में हो धर्म के क्षेत्र में हो जिस भी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहे निश्चित आए हम सब बढ़ सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपने वृत्तियों को एकत्रित करना पड़ेगा जिसे हम लक्ष्य कहते हैं उस लक्ष्य को एक निश्चित दिशा पर केंद्रित करना पड़ेगा यदि हमें चाहिए सफलता तो हमें तीन बातों पर ख्याल करना पड़ेगा पहले मुझे क्या करना है दूसरी बात मुझे क्या पाना है और कहा जाना है इन तीजों तीन चीजों पर हम अपने लक्ष्य को केंद्रित कर लेंगे तो निश्चित है सफलता हमें मिलेगी हम यही निश्चय नहीं कर पाते हैं कि मुझे क्या करना है कहा जाना है क्या बनना है ये सब के पीछे हमको एक ही चीज करना पड़ेगा हम अपने लक्ष्य को केंद्रित कर लें एक ही मुझे यदि धन चाहिए तो धन कमाने के लिए ही बार बार कैसे धन मिले उस पर हमें बार बार अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा जो आदमी अपने लक्ष्य को एक जगह एकत्र नहीं कर सकता वो निश्चित है उन्हें सफलता कभी भी नहीं मिलेगी अर्जुन के लिए आप लोग सुने ही हैं कि अर्जुन को जब वान अपने लक्ष्य पर बेधने के लिए कहा गया और पूछा गया तुम्हें तो क्या दिखाई पड़ रहा क्योंकि प्रश्न था कि पक्षी के आंख में बाण वेदना है तो किसी ने कहा मुझे पेड़ भी दिखाई है पक्षी भी दिखाई पड़ा है और सब चीजें दिखाई पड़ा तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही जिन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ता है उसका वान वही जाता है ऐसे ही यदि हमें सफलता चाहिए तो उस दिशा में हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा सहज उदाहरण से समझे एक सुई में यदि धागा डालना है तो हम इधर उधर देखते रहेंगे अपने लक्ष्य को बहकाते रहेंगे तो सुई में कभी भी धागा हम नहीं डाल पाएंगे ऐसे ही हमें यदि सफलता चाहिए तो एकाग्र मन से उसी दिशा में लगना चाहिए लक्ष्य पहले हम निर्धारित निर्धारण कर लें। जो आदमी लक्ष्य निर्धारण नहीं करता है वह कभी भी सफल नहीं होता जो आदमी यदि सफल होता है उसके पीछे उन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया है और फिर लक्ष्य जब निर्धारण कर लिए तो उस पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए दृढ़ निश्चय क्या है लक्ष्य निर्धारण कर लिए कि मुझे अमुक जगह जाना है तो वहां आदमी चल देता है अभी कोई बहुत दूर दिन की घटना नहीं है अभी लॉकडाउन में ही आप देखे दिल्ली मुंबई पूना अहमदाबाद कहां, कहां लोग नौकरी व्यापार करने के लिए गए थे लॉकडाउन जब हुआ ट्रेनें बंद हुई बसें बंद हुई पूरा यातायात बंद हो गया लेकिन लोगों के मन में यह लगा कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं है मुझे यहाँ रहना नहीं है अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है तब क्या दिखाई पड़ने लगा उनको घर और घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं कोई यातायात का कोई सुविधा नहीं पास में बहुतों के पास पैसे भी नहीं है हाँ आदमी घर के लिए चल देता है न खाने के लिए कोई वस्तु है न कोई बहुत पैसे हैं, फिर भी वह लक्ष्य उनका लक्ष्य है मुझे घर पहुंचना है और घर पहुंचने के लिए वह आदमी चल देता और कुछ शायद एक परसेंट भी नहीं होगा एक परसेंट लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो हम मान लेते हैं कि एक परसेंट नहीं बन लेकिन निन्यानवे परसेंट लोग उसी स्थिति में अपना घर पहुंच गए जो कि उनको केवल रात दिन सोते जागते उठते बैठते हर समय अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता था जो आदमी को अपना लक्ष्य दिखाई पड़ता है ना, वह निश्चित रूप से वह पहुंच जाता है हम सब को यहाँ पर बैठे हुए सभी साधकों को अपना लक्ष्य दिखाई पड़ना चाहिए दुखों से निवृत्ति मोक्ष के मार्ग में चलना और वह दुखों से निवृत कैसे होगा आत्म कल्याण कैसे होगा हम अपने वासनाओं को ध्वंस करेंगे हमारे अंदर जो विकार है कलिमस है दोष है बुराई है उनको यदि हम त्याग करेंगे तो निश्चित है हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे कई बार होता है लक्ष्य पहुंच तक पहुंचने में हमें दृढ़ निश्चय नहीं होता है दृढ़ निश्चय मतलब लाभ मालूम होना चाहिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली कोई जरूरी नहीं कि आप पहुंच ही जाएंगे लेकिन जब लक्ष्य रहता है तो एक रास्ता जब बंद रहता है तो दूसरे रास्ते खुले होते हैं ये नियम है प्रकृति का यह नियम है एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता खुले रहे पानी का बेग को आप रोका पानी की धारा जहां से गुजर रही है उस धारा को आपने यदि रोक दिया तो पानी रुकता नहीं है दूसरा रास्ता खोजता है और यदि दूसरा रास्ता मिलने के बाद उनकी गति और तीव्र होती है क्यों क्योंकि वह ऊपर उठ करके बहा है तो उसकी गति और बढ़ जाती है तो गुरुदेव कहा करते थे कि यदि विकास के सौ रास्ते बंद हैं, तो एक सौ एक रास्ते एक सौ एक नंबर के रास्ते आपके खुले रहेंगे हम घबराए नहीं उस दिशा में निरंतर प्रयास करते चले जो आदमी निरंतर प्रयास करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है निश्चित है सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग असफल भी होते हैं लेकिन उस असफलता को आदमी छोड़ देता है गुरुदेव कहा करते थे कि यदि तुम मिट्टी बेचते हो तो लगन से उत्साह से यदि तुम मिट्टी बेचोगे तो उसमें सफलता मिलेगी कभी, कभी दुकान खोले और कभी नहीं खोले तो सफलता मिलने वाली नहीं है ऐसे ही हम मन को कभी अच्छा खुराक दें, कभी साधना भजन में लगे कभी ध्यान करें और दस दिन करें और दो महीना ना करें तो क्या होगा उस जहां हमें पहुंचना है जिस मंजिल की हमें रु... ललक है उस मंजिल तक हम कदापि नहीं पहुंच सकते हैं पहुंचते तो वो लोग हैं जो निरंतर उसमें चलते रहते हैं असफलता और सफलता तो ये होती रहती है व्यवहार में लेकिन जो चलते हैं वही असफल होते हैं जो चलते नहीं वो क्या असफल होंगे कहाँ किसी ने गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में वे तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में वे तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले चले मैदान में जो लड़ाई करने के लिए जाते हैं वो कभी असफल हो सकते हैं घुड़सवार कभी गिर सकते जो घोड़े पर चढ़ेंगे नहीं वो क्या गिरेंगे ऐसे ही जो आदमी अपने लक्ष्य पर चलेगा ही नहीं वो आदमी लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा कभी प्राप्त नहीं कर सकता है सदगुरु श्री विशाल देव ने कहा है कोटिन विघ्न पड़े चाहे तन में सो सही सब तिल भर हटेंगे करोड़ों विघ्न बाधाएं आएंगे रास्ता चलते हैं तो विघ्न और बाधाएं तो आएंगे ही आएंगे लेकिन, लेकिन उन विघ्न बाधाओं को हम तोड़ते हुए उन विघ्न बाधाओं को हटाते हुए हम निश्चित रूप से उस मार्ग तक पहुंचेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी कभी कभी यह भी होता है कि आधा दूर चलते हैं उसके बाद असफलता होती है तो लोग हम क्या घबराते हैं कि ये तो बहुत कठिन मार्ग है और इसमें चलना बहुत सरल काम नहीं है ये समझ करके हम छोड़ देते हैं सज्जनों यदि इस प्रकार का यदि सोच करके हम अपने कर्तव्य से विहीन हो जाएंगे हम अपने रास्ता को छोड़ करके यदि अलग हो जाएंगे तो हमें, हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी। चाहे आप बड़े बड़े नेताओं को देख लें बड़े ले, बड़े ले, 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 इंजीनियरों को देख लें साधु संतों को देख लें किसी भी दिशा में जो लोग सफल हुए हैं उसको देख लीजिए एक बार में तो शायद ही कोई सफल हुए होंगे कई कई बार प्रयास करते करते वो आदमी सफल होता होता है एक वैज्ञानिक का नाम लो मैडम क्यूरी मैडम क्यूरी ने हजारों हजारों टन मिट्टी को वो छानी थी तब जाकर के रेडियम का प्राप्त किया था उन्होंने और रेडियम हमारे यहां बहुत कम मात्रा में है तो इस प्रकार जो आदमी प्रयास करता है वही मेरे कहने का मतलब है कि वही आदमी सफल होता है और जो प्रयास नहीं करता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है और इसके लिए उम्र कोई उम्र की कोई बात नहीं है नब्बे वर्ष की उम्र में इंजीनियर पेरी ने नब्बे वर्ष की उम्र में सफलता प्राप्त की थी अमेरिका का झंडा वहां गाड़ा था तो कहने का तात्पर्य नब्बे वर्ष में आदमी को अपना काम करना कठिन होता है कई बार उनके स्लेस टूटे उनके कुत्ते मर गए उनके साथी लोग संग साथ छोड़ दिए तो इन को वह भुलाते हुए अपने दिशा में वह निरंतर बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे एक दिन सफलता मिलेगी ही मिलेगी एक चिट्टी को देख लीजिए चिटी एक चावल को उठा करके चलती है कई बार वह दीवार में चढ़ती है और गिरती है चढ़ती है और गिरती है लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि वह सफल हो जाती है तो कोई भी असफल आदमी ये ना सोचे कि हम तो ये नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मतलब वो पहले ही अपना हार स्वीकार कर लिया और वो कभी भी नहीं हो सकता है इसलिए अपने मन में हीन भावना न लाए जो आदमी अपने मन में हीन भावना ला देता है वो कभी भी सफल नहीं होता इसलिए चाहे वो साधना के क्षेत्र में हो साधना के क्षेत्र में होता है अजी मैं तो एक महीना से लगातार ध्यान में बैठता हूं मेरा मन कभी शांति ही नहीं होता है इसलिए और छोड़ देता है तो कहने का तात्पर्य यह कि आदमी निरंतरता बनाए रखेगा उसे सफलता मिलती है जो आदमी सफल होना चाहता है उसे सब कुछ के घर परिवार का संगी साथी का मित्र का साथ छूट रहा है उसको देख करके ना सोचे कि मैं अकेला हो गया हूं अकेला नहीं किसी ने कहा है जो अकेला चलता है उसका मार्ग बहुत सरल होता है है शायद टैगोर ने कहा है। जो अकेला चलता है उसका मार्ग बहुत सरल हो जाता है बहुत से लोगों को लेकर के चल चलेंगे कोलंबस कोलंबस ने जब यहाँ आया तो बहुत लोग उनके संग साथ थे और वो एक वर्ष के लिए पानी कपड़ा भोजन आदि लेकर के आए थे दुनिया की खोज करने के लिए जब निकला था तो लेकिन उनके संग साथी लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया कि आप हम लोगों को कहा ले जा रहे हैं कहीं दिखता ही नहीं और छोड़ सबको समझाते रहे समझाते रहे अंतिम में उन्हें सफलता मिली कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं यदि तुम ठान लो, लो यदि तुम ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो यदि तुम, तो तुम ठान लो तो तूफान के पथ मोड सकते हो यदि तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकते हो हम निश्चय तो कर ले हम निश्चय नहीं कर पाते हैं इसलिए दुखी होते हैं और अपना जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुंच नहीं पाते हैं अपने लक्ष्य में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहला काम दृढ़ लक्ष्य निर्धारण करना और दृढ़ निश्चय होना बस इन दो चीजों को यदि अपना लें तो निश्चित है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ बोलिए सदगुरुदेव अभी हम लोग हमारे संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री गुरक्षेम साहेब के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे सफलता असफ, असफलता पर किसी भी कला कौशल को सीखने के लिए दीर्घकाल का अभ्यास होना होना होगा तभी सफलता मिलती है जो धैर्य से सहनशीलता से जो आगे कदम बढ़ाता जाता है वह आगे सफल होता है साधना के क्षेत्र में भी यही बात है मुख्य तो हम लोग साधक हैं साधना के क्षेत्र में भी हमें निरंतर साधना में बढ़ने की जरूरत है जो तुरंत सफलता चाहते हैं अपने आप उन्हें असफलता मिल जाती है सफलता होने के लिए काम नहीं किया जाता है अपना जो जिस उद्देश्य में जो हमने लगे हैं उस उद्देश्य के लिए काम करना है तो एक दिन हमारी निश्चित है सफलता मिलेगी मिलेगी इस संदर्भ में साहब के द्वारा हम लोग बहुत सुंदर विचार सुने मैं चाहूँगा इस अवसर पर कुछ समय बचा है बचा है क्या साहब आने वाले हैं दोनों के बीच में जो कुछ समय है आने में और इधर कहने में उस समय का हमको दोहन करना है तो मैं कुछ देर के लिए हमारे व्यय वृद्ध संत संस्थान के संत श्री सुधार साहब साहेब का दूसरा इशारा है अब चाहूंगा मैं हमारे बगल में शंत श्री अशोक साहेब बोलने में सब यहाँ एक से एक आगे हैं लेकिन फिर भी जितने साधना में जो परिपक्व होते जाते हैं उनके विचार सुनने के लिए सभी का मन उत्सुक रहता है तो आइए हम कुछ मिनट श्रद्धे संत श्री अशोक साहेब से सुने बंदनीय संत समाज सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं देवियों, ये यह अंतिम दिन का अंतिम सत्र है सदगुर कबीर की एक साखी जो उगे सो आथवे फूले सो कुहिलाए जो चुबने सो ढही परे, जन्मे सो मरी जाए जो उदय होता है वह अस्त होता है जो फूलता है वो कुमिलाता है जो चुना जाता है वो ढह जाता है और जो जन्मता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है यही जीवन का सत्य है हम सब इस धरती पर जन्म लेते हैं जन्म के पूर्व हर मनुष्य मां के गर्भ में होता है बच्चा गर्भ धारण करने के पश्चात जीव मातृगर्भ में जब गर्भ धारण करता है शरीर का निर्माण होता है जन्म लेने के पूर्व कितने बच्चे मां के गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं तात्पर्य है कि जन्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कितने बच्चे कितने जवान कितने बूढ़े इस संसार से विदा हो जाते हैं बाल्यावस्था युवावस्था किशोरावस्था आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है विवाह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता संतान हो भी सकती है नहीं भी हो सकती हम जो चाहते वो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता सब अनिश्चित अनिश्चित अनिश्चित। लेकिन कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता है कि मृत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है सभी प्राणी मरने के लिए जीवित हैं और मृत सबको मारने के लिए जीवित है मृत्यु की मृत्यु नहीं होती है इसीलिए गुरुदेव जी ने भी कहा सदगुरु शांति मृत्यु तीन ये परम मीत है सदगुरु इस भवसागर से पार करते हैं शांति हर जीव चाहता है और ये तभी मिलेगा जब मृत्यु की याद करे विदाई की याद करें विदा होना है जैसे आज सब लोग विदा हुए मृत्यु की याद सबसे बड़ी याद है मृत्यु का बोध सबसे बड़ा बोध है मृत्यु का शास्त्र सबसे बड़ा शास्त्र है पढ़ने योग्य मृत्यु की नींद सबसे बड़ी नींद है मृत्यु और नींद दोनों सगी बहने छोटी बहन की उम्र कम होती है बड़ी बहन की उम्र ज्यादा होती है नींद चार छह आठ घंटे की होती है और मृत्यु सदा के लिए सो जाना होता है विचार करें जब चार घंटे की नींद इतनी प्यारी होती है हमें कोई सोते से जगा दे कोच दे कितना बुरा लगता दुश्मन मालूम होता है गहरी नींद में सोए कोई जगाता अच्छा नहीं लगता नींद प्यारी है कोई भी डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाता है कि डॉक्टर साहब में नींद ज्यादा आती है कोई ऐसी दवा दे दो नींद कम हो जाए नींद नहीं आती है इसके लिए लोग जाते हैं क्योंकि सो अपीत गहरी निद्रा में जीव अपने को पा जाता है परमानंद तो जब थोड़ी देर की नींद इतनी प्यारी होती है जब सदा सदा के लिए सो जाएंगे तो कितना आनंद होगा जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद कब मरी कब पाई हो पूर्ण परमानंद इसका अर्थ ये नहीं कि हम आत्महत्या कर ले साहब कहते हैं जय मरने से जग जग डरे हम जीना इसलिए चाहते संसार में आनंद चाहते हैं लेकिन यहां अहंकार विकार कामना वासना इसका मर जाना असली मरना है जब से सुना है कि मरने का नाम जिंदगी है सर पर कफन लपेटे कातिल को ढूंढते कातिल कहते जो मार देता है जब से साधक ने सुना कि अहंकार विकार कामना वासना दुर्गुणों का मर जाना ही असली थिय। मरना थिय। असली जीना है तो सर पर कफन लपेटे कातिल को ढूंढते कातिल जो हमारे अहंकार को समाप्त कर दे वो कौन है सदगुरु कातिल को ढूंढते हैं। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो हमारा अहंकार विकार नष्ट हो जाता है इसलिए मृत्यु की याद सबसे बड़ी याद है मृत्यु का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है फिर वो उत्सव देखने को नहीं मिलता है मृत्यु का आनंद सबसे बड़ा आनंद है लेकिन हम उसे भूल जाते हैं वो उदाहरण याद आता है किसी जंगल में मयूर ने एक सर्प को ग्रसित किया मयूर सर्प खाता है ऐसे ही सर्प खाता जो उस मुख में आ सके अजगर नहीं खा पाएगा लेकिन उसका आहार है हम लोगों ने देखा है आश्रमों में शालपुर एक आश्रम था गोंडा जिले में तो वहां सर्प को मयूर खाते थे तो उसका उसका कंकाल पड़ा रहता था मयूर बहुत थे सर्प भी बहुत थे, भी बहुत थे। तो वो जो उसको पकड़ता है निकलता है तो उसका पीछे से निकलता है आगे का थोड़ा भाग छोड़ देता है कंकाल से गल जाता है उसके अंदर तो मयूर ने नृत्य को मयूर ने, मयूर ने सर्प को, को ग्रसित किया सर्प को पकड़ा सर्प उसके मुख में आ गया निगल गया। रहा है केवल उसका फण शेष है बाहर काल के मुख में जाता हुआ वह मयूर वह सर्प मेढक को पकड़ लेता है मेढक को पकड़ लेता क्योंकि उसका हार वो है मेढक सर्प के मुख में है काल के मुख में है फिर भी वो मेढक सामने उड़ते हुए कीड़ों को लप लप करके खा रहा है। कीड़े मेढक के पेट में मेढक सर्प के पेट में समाहित हो रहा निगल जाता है बोलिए सदगुरुदेव की जय निकल जाता है साहे बंदी, साहे, साहे। वो अपना आहार लेकर के मयूर अपना आहार लेकर खड़ा ही हुआ था कि जंगल में कहीं से एक चिड़ी मार आ जाता है बहेलिया और जोर से अपना वाण बेधता है मयूर का पेट फट जाता है समाप्त हो जाता है बहेलिया अपना तीर और तरकस अभी संभाल ही रहा था कि जंगल से एक भूखा शेर आ जाता है और दौड़ करके बहेलिया को चट कर जाता है बहेलिया वह सिंह के पेट में समाहित हो जाता है सिंह अपना आहार ले करके जैसे ही पीछे मुड़ करके जंगल में अपनी मांद में जाना चाहता है वहां अपने मान में पहुंचने के पहले जंगल से पार होता एक टीला मिलता है और उस टीले को छलांग मार करके वो उस पार जाना चाहता है जैसे ही इस पार से उस पार छलांग लगाता है तो वहां घास फूस से ढका हुआ एक पुराना कुआं था और उस कुएं में वो गिरता है और उसके प्राणांत हो जाते हैं काल सबको खाता है आस पास जोधा खड़े सबे बजा गाल मंज महल से ले चला ऐसा परवल काल इंदिरा गांधी के डेढ़ सौ बाड़ी गार्ड खड़े रहे मार दी गई कैनेडी को गोली मार दी गई संसार में जितने भी महापुर जितने भी वीर हुए बड़े लोग हुए छोटे बड़े सभी सब काल के गाल में जाते हैं अंत में कोई रक्षक है नहीं हर पखेरू का यहाँ है नीण मरघट पर है बंधी हर एक नैया मृत्यु के तट पर खुद ब खुद चलती हुई यह देह अर्थी है प्राण है प्यासा पथिक संसार पनघट पर हर पखेरु का यहाँ है नीण मरघट पर नीड कहते घोसला को पक्षी घोसले में रहता है जीव शरीर रूपी घोसले में रहता है हर पखेरू का यहां है नील मरघट पर, पर मरघट मरने की घटना जिस जगह घट जाए उसे मरघट कहते हैं और कहा नहीं घट सकती हो कौन सा ऐसा स्थान है जहां मृत्यु की घटना नहीं घट सकती है हर जगह मरघट पैग पैग, पैग, पैग पैग पैगंबर गारे सोसो माटी भीष्म ने यही कहा था अपने मृत सैया पर जब पड़े थे अंतिम समय में कि मेरी अंतिम मेरा अंतिम संस्कार उस जगह करना जहां पहले कोई न जलाया गया कहते हैं बहुत सुनसान जगह में जब उनको ले जाया गया तो आकाशवाणी हुई कि ठहरो ठहरो न मालूम कितने भीष्म भी जलाए जा चुके इसलिए हमें उस दिन की याद करनी है जब मर घट मरने की घटना घटी शमशान सम हो जाए शान जहां एक दिन उसे शमशान कहते हैं जहां एक दिन सबके शान मान गुमान सम हो जाते हैं उसे ही शमशान कहते हैं राजा हो या रंग धनी हो या गरीब सबके मान गुमान एक दिन सम हो जाते हैं कहते हैं लुकमान हकीम जब संसार से विदा होने लगा अपने समय का यूनान का बहुत प्रसिद्ध हकीम था तो उसने उसके अंतिम वाक्य क्या थे कि हाय कुछ दिन और जीने की तमन्ना थी लेकिन हाय मौत की कोई दवा नहीं है। मरते दम लुकमान भी यह कह गया यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी जब तेरी डोली निकाली जाएगी वह विदाई का दिन हमें निरंतर याद रखना है जिस दिन इस संसार से विदा इसके पहले कि शरीर की अर्थी उठे हमें जीवन के अर्थ को समझ लेना है इसके पहले कि शरीर चीता पर रखा जाए हमें आत्मचिंतन कर लेना है इसके पहले कि इस शरीर का विसर्जन हो हमें अपने अंतकरण से सारे विकारों को विदा कर देनी चाहिए विदा कर देना चाहिए इसी के लिए साधना है सत्संग है आयोजन है सदगुरु की शरण है और ये यदि हम करेंगे तो निश्चित ही हम उस जगह पहुंचेंगे जैसे आप साहब सुन रहे थे जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य क्या है परम शांत परम आनंद वही हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम एकाग्र होकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ बोलिए सदगुरुदेव की जय अभी हम लोग हमारे संस्थान के संद्धे श्री अशोक साहब से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे पूज्य साहब विराजमान हैं उनके सुनने के पूर्व हम एक भजन श्रवण करेंगे हमारे संस्थान के साथी संत श्री चेतन जी से आइए आप एक भजन रखने का कष्ट करें उसके बाद पूज्य श्री से सुनेंगे बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय सदगुरु अभिलाष साहेब की जय परम पूज्य साहेब जी वंदनी संसमाज समाज आज्ञा हुई है भजन के लिए तो आज्ञा अनुसार एक भजन आप सबके बीच प्रस्तुत है जीन जीनी जीने जीनी बीनी चदरिया दरिया जीन जीनी झीनी जीनी बीनी चदरिया बी कहे के ताना कहे के भरनी कहे के ताना कहे के भरनी कौन तार से बीनी चदरिया बीनी चदरिया झिन झिन झीन झीन बीनी चदरिया इंगला इंगला पिंगला ताना भरनी इंगला पिंगला ताना भरनी सुसुमन तार से बीनी चदरिया सुसुमन तार से बीनी चदरिया झिनी 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 बीनी चदरिया झिनी 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 बीनी अष्टकमल दल चरखा डोले अष्टकमल का चरखा डोले पांच तत्व गुण तीनी चदरिया झिनी 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 बीनी चदरिया जीनी, जीनी 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 बीनी चदरिया साईं के बिनत मास दस लागे साईं साई के बिनत मास दस लागे ठोंक ठोंक के बीनी चदरिया ठोक ठोक के बीनी चदरिया झीनी 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 बीनी चदरिया दरिया झीन झीनी 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 बीनी चदरिया सो चादर सुर नर मुनि वोढ़ी सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी के मैली की चदरिया ओढ़ी के मैली की नी चदरिया झिनी 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 बीनी चदरिया झिनी 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 बीनी चदरिया दास कबीर ने ऐसी शिवी साहिब कबीर ने ऐसी वोढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया दरिया जो की त्यों धर दीनी चदरिया झिनी 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 बीनी चदरिया झिनी 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 बीनी चदरिया बोलिए सदगुरुदेव की जय